रुलावत गणेश ज्वेलर्स नाला सोपारा। यूट्यूब स्पॉन्सर गोपाल सिंह जी राठौड़ भवानी गोल्ड कावेरी बाजार और मोती सिंह राठौड़ मंगल ज्वेलर्स विरार। फोटोग्राफी के स्पॉन्सर भैरू सिंह सोलंकी शिल्पा ज्वेलर्स नाला सुपारा। और साथ में हमारे जो मेवाड़ क्षेत्र क्षत्रिय राजपूत परिषद मुंबई की बात आती है, अध्यक्ष श्री विजय सिंह जी डुलावत, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और माफी चाहूंगा ये कहने के लिए, लेकिन मैं पहला ऐसा अध्यक्ष देख रहा हूं कि जो सुबह से जब से कार्यक्रम शुरू है तब से यहां पर बैठे हैं। बाकी तो अध्यक्ष को मैं देखता हूं कि अध्यक्ष हैं तो लास्ट में आएंगे, पांच मिनट रहेंगे, समय बिताएंगे, जाएंगे। एक बार विजय सिंह जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथ में महामंत्री श्री डूंगर सिंह जी चौहान, आपके लिए भी बहुत बहुत तालियां। चौहान की बात आती है तो मुझे पृथ्वीराज चौहान याद आने लगते, सच में शब्द वेदी बाण। मैच शुरू होने के पहले जरा मैं बोलना चाहूंगा, शब्द वेदी बाण इतिहास में दो ही लोग चलाते थे, बीच बीच में मैच में मैं चर्चा करूंगा इस बीच। बॉलर पहली गेंद, अच्छी गेंद, जोधराज समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी, लेकिन वाइट का इशारा था वो अंपायर का। शब्द वेदी बाण दो ही लोग चलाते थे, एक राजा दशरथ जिनके द्वारा शब्द वेदी बाण चला, तो श्रवण कुमार को लगा श्राप उनके माता पिता का मिला, पुत्र वियोग में दशरथ जी को भी प्राण त्यागना पड़ा, इस बीच सिंगल मिलता हुआ। और दूसरे शब्द वेदी बाण चलाते थे पृथ्वीराज चौहान, और आपको मालूम है जिसे उन्होंने बख्श दिया मोहम्मद गोरी को, उसने उनके साथ बहुत धोखा दिया, और इसीलिए कहा जाता है कि किसी को भी अपने बेटे का नाम कहेंगे वो रावण भी रख लेगा, कुंभकर्ण भी रख लेगा, लेकिन जयचंद कोई नहीं रखना चाहता। माफी चाहूंगा ये कहने के लिए, कोई नहीं, क्योंकि उस नाम के साथ बहुत बड़ी चीज जुड़ी है। लीजिए बिल्कुल उस बात को सार्थक करते हुए फुलटॉस गेंद, खूबसूरत तरीके से खेला इस बार, विड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी। विक्रम काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस बार फिर गेंद को उठा करके खेला है, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, फील्डर थे जरूर एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, विड ऑफ के क्षेत्र में, दोनों के बीच में गेंद गिरी, जब तक गेंद को उठाते एक रन लेने का चांस। एक रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 2 रन के साथ 10 पर, 3 गेंदों पर 10 रन बन चुके हैं, महंगे साबित हो रहे हैं जोधराज। तो पृथ्वीराज ने जिस मोहम्मद गोरी को छोड़ा था उसने उनकी आंखें निकलवा ली, क्या क्या नहीं किया, उसके बाद एक उसने अपने घर पे एक जलसा, मैं कहूंगा उनकी भाषा में एक जलसा रखा था, एक समारोह, उसमें निमंत्रण दिया पृथ्वीराज चौहान को, वो भी वहां पे गए और वो सिंहासन पे जब बैठा था तो जो बंबू जिसे बांस कहा जाता है, चार बांस की जितनी ऊंचाई होती है उतनी ऊंचाई, फिर 24 गज की जितनी ऊंचाई होती है उतनी ऊंचाई, फिर 8 अंगुल, उसके ऊपर वो बैठा था सिंहासन लगा के। इस गेंद के बाद मैं चर्चा करूंगा, बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, बल्लेबाजी भी अच्छी हो रही है इस बार, बैकफुट पे जाकर के गेंद को खेला, रन आउट का चांस, दोनों बल्लेबाज इस समय फंसे थे, बाल बाल बचे, एक समय लग रहा था कि दोनों बल्लेबाज फंस चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत चाकूरा के साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत चरितार्थ होती भी। तो जैसे ही पृथ्वीराज चौहान बैठे थे, उनका जो राज दरबारी था चंद्रवरदाई वहां पे था, उसने एक कविता कही और संकेत दे दिया, क्या संकेत दिया, लेकिन संकेत इस बार बल्लेबाज ने दिया है, फोटोग्राफर भी थे वहां पर, फील्डर भी थे, ना कैमरे में कैद हुई ना फील्डर से रोकी, सीमा रेखा के बाहर चली गई, 4 रनों के लिए गेंद। समाप्ति के बाद 15, एक ओवर की समाप्ति के बाद 15 महंगे साबित हुए यहां पर, लेकिन विक्रम और साथ में उनके शंकर अच्छी जोड़ी है, एक ओवर की समाप्ति के बाद 15। तो जैसे ही वो ऊपर बैठा था, राजकवि को उनके वो अपने पास लेकर के गया था, राजकवि को तुरंत अपने देश का, अपने उस राजा के प्रति प्रेम जागा, और उन्होंने एक कविता कहा, क्या कविता कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बांस की ऊंचाई 24 गज की ऊंचाई 8 अंगुल की ऊंचाई, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है अब ना चूक चौहान, इशारा किया कि शब्द वेदी बांध चला और सीधे लगा, और
वो जो शासक था, बल्कि दुशासक था। इसीलिए कहते हैं कि इनको जितना आप छोड़ेंगे उतना ज्यादा ये हमें आपको छेड़ेंगे, छोड़ने की जरूरत नहीं है। नीचे गिरा, समाप्त हुआ। वही एक चौहान हमारे साथ भी है, श्री डूंगर सिंह जी चौहान जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। थोड़ा सा जोश भरा है, डूंगर सिंह जी चौहान शायद धनुष्मान लेने के लिए गए हैं, लोग बता रहे हैं सर के लिए तालियां होनी चाहिए, परिवार जैसा माहौल है इसलिए हंसे मजाक के करने के लिए, बाकी सर कुछ नहीं है ऐसा। और मेवाड़ क्षत्रिय युवा राजपूत प्रीमियर लीग को यहां पर आयोजित करने के लिए जो कमेटी मेंबर है जिन्होंने चार चांद लगाया है, और इस बीच देखे पोलर लेन की गेंद थी, बल्ले पे ठीक प्रकार से नहीं आई, लेकिन एक रन मिल जाएंगे। हरि सिंह चुंडावत जी, पन सिंह सोलंकी जी, गोपाल सिंह राठौर जी हमारे बगल में बैठे ही हैं, मनोहर सिंह चौहान जी, मोती सिंह राठौर जी, गणपत सिंह भाटी जी, भैरव सिंह सोलंकी जी, रतन सिंह सोलंकी। और रतन सिंह सोलंकी के लिए तो हम लोग एक डायलॉग बोलते हैं, नहीं मालूम मुझे लग रहा है आप बोलने वाले हैं, उनके लिए तो एक है ना आग लगा देंगे, उनका एक है ना डायलॉग उनके लिए। हाँ बिल्कुल, उन्हीं के सौजन से हमें यहाँ पर आने का मौका मिला है। जितनी भी हमारे परिवार से यहाँ पर माताएं बहनें आई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो ये बच्चे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए एक बच्चा कितना आगे कितने खुश होकर के जा रहा है, उसे जलेबी की महक आ रही है, वो चाह रहा है, मम्मी को भी खींच करके ले जा रहा है, जाना भी चाहिए। व्हाइट का इशारा आता हुआ, अच्छा वो लड्डू का इशारा कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं। 18 हुआ स्कोर 1.3 ओवर के बाद इस समय। शंकर और साथ में उनके विक्रम, पुराने फिल्मों में शंकर माधवन की जोड़ी थी, यहाँ शंकर और विक्रम की जोड़ी इस बार फ्रंट फुट पे आए थे, लेकिन चतुर गेंदबाज हैं, चालाक गेंदबाज हैं लोकेंद्र जिनका नाम है, और अपनी गेंद की लेंथ को खींचा था, थोड़ी सी स्लो डिलीवरी की गेंद थी। अच्छी कप्तानी हो रही है किंगापा मेवाड़ के कैप्टन भैरव सिंह के द्वारा, लेकिन मेवाड़ रॉयल्स की टीम इस समय बल्लेबाजी करने के लिए उतरी है, केसर सिंह की टीम है अच्छी स्थिति में। इस बार रिची रहती हुई गेंद, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना तो यही होगा हस, और यही होगा फसाना, ये बल्ले पे नहीं आ रही है, तू रूट ही रहे मैं मनाता रहूं, ये सिलसिला जारी है। टीवीएन लाइव के सौजन्य से आप लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं, आप तक पहुंच सकता है। 9 टीमों ने यहां पर हिस्सा लिया है इस मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिषद मुंबई द्वारा आयोजित MRPL 2022 सीजन 2 में। इस बार पुलर लेंथ की गेंद थी, बल्ले का मुंह खोला, खेल दिया मिड ऑफ के क्षेत्र में, एक रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, छोर को परिवर्तित किया, लेकिन अंपायर ने कहा छोर परिवर्तित नहीं होगा, ओवर समाप्त होता हुआ। ओवर की समाप्ति के बाद 19 6 पे बैटिंग कर रहे हैं शंकर, 11 पे बैटिंग कर रहे हैं विक्रम, ओवर समाप्त हुआ। तीसरे ओवर की गेंदबाजी देखना है किसे दिया जाता है। पहला ओवर पावर प्ले का होता है जिसमें 38 सर्कल के बाहर 3 फील्डर रह सकते हैं। सबसे बड़ी बात मैंने देखा कि सच में जो सुना जाता है कि जो क्षत्रिय होते हैं, जो राजपूत होते हैं, जो त्याग के लिए, जो बलिदान के लिए हमेशा माने जाते हैं, त्याग बलिदान के साथ साथ भी अहिंसा का वो पालन करते थे। क्योंकि आज अगर आज के युग में अहिंसा को परिभाषित करना हो तो मेरे समझ से अहिंसा की सबसे बड़ी परिभाषा यही है। इधर वाइट का इशारा आता हुआ कि सबसे पहले आप आत्मरक्षा करें, विश्वजीत है गेंदबाज, मातृभूमि की रक्षा करें, परिवार की रक्षा करें, और इस रक्षा करते हुए अगर आपने हथियार उठा लिया तो इसे भी मैं अहिंसा के ही श्रेणी में मानता हूँ, ये कहीं की हिंसा नहीं है। क्योंकि हमें जो सिखाया गया अहिंसा, कोई मारता रहे और आप वहां खड़े रहें, यह अहिंसा नहीं चाहिए, और नहीं इससे आजादी मिली, सबको पता है। कुछ नहीं कहना चाहूंगा ज्यादा, यूट्यूब पे लाइव भी है, इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। और चलते हैं इस मैच की बात, और इस बार क्या खूबसूरत तरीके से गेंद को ड्राइव किया है, वाइड लॉन्ग आपके क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, जब तक फील्ड करते एक रन लिए, दूसरे रन का इरादा था, दूसरे रन की इच्छा थी, दूसरे रन की आकांक्षा थी, दूसरे रन की मनोकामना थी, लेकिन शंकर की मनोकामना को विक्रम ने कहा नहीं नहीं रुक जाइए, एक पार्टनरशिप पनप रही है, एक बीज पार्टनरशिप का इन्होंने पहले जमी में दबा दिया था, मिट्टी थोड़ी सी गीली थी, पहले वो प्रस्फुटित हुआ, फिर अंकुरित हुआ, अंकुरित होकर के एक पौधा बना, पौधा बनने के बाद वट वृक्ष बना, उस बरगद के वट वृक्ष के नीचे ये टीम प्रफुल्लित है, आनंदित है, आह्लादित है। इस बार गेंद को खेला स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, भैरव सिंह वहां पर है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो है, रनआउट का चांस हो सकता है, लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज में दोनों बल्लेबाज, और एक चीख एक आह यहां से भी निकल रही है कि बच गए।
और इस बीच देखिए सिंगल मिलता हुआ। बिल्डिंग करने वाली टीम हमेशा चाहती है कि कुछ विकेट मिल जाए, बैटिंग करने वाली टीम चाहती है कि मेरे बल्लेबाज पहुंच जाए, उसी कोशिश में लगे हुए। 2.4 ओवर के बाद 25 बिना किसी छत के, यानी कि ये पार्टनरशिप की क्वार्टर सेंचुरी पूरी हुई। टीबीएन लाइव के सौजन्य से आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, कैमरामैन प्रीत पाटिल, प्रीत जी मैं बाब जब यहाँ पे आता हूँ हरेश को, मैंने हरेश जी कहा, सुना कि सब लोग बहुत चिढ़ाते हैं उनको हरेश जी करके, और मयूर भी हैं डीजे वाले, लेकिन स्त्री को हम लोग मिस कर रहे हैं, लेकिन दूसरे जो सर हैं उनका नाम जानना जरूरी है भाई, लेकिन इस बार आप स्टंप के बाहर की गए। तीन ओवर 26 रन बिना किसी छत के डीजे। एक रन यहां पर मिल जाएगा, दूसरे रन के लिए शायद नहीं जाएंगे बल्लेबाज। विश्वजीत बॉलर नेम लोकेंद्र, थैंक यू। मेवाड़ रॉयल्स की पारी बहुत ही अच्छी स्थिति में पहुंच चुकी है और अभी तक 27 रन बने हैं 3.1 ओवर के बाद। नींव आपने बहुत मजबूत रखी है, आधारशिला बहुत मजबूत है, अच्छी बल्लेबाजी करने की जरूरत है, बड़ी इमारत खड़ी करने की जरूरत है। उसी कोशिश में बल्लेबाज, इस बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे फील्डर आते हुए बेहतरीन कैच हो सकता था, आखिरी समय में गेंद हाथ से छिटकी है, बहुत अच्छा प्रयास था, लंबी दौड़ लगाते हुए आए थे, लेकिन आखिरी समय में जब उनके अंजुल जो है जिन्हें कहा जाता है वो बंद नहीं हुए, नतीजा ये गेंद छिटक गई हाथ से। 3.2 ओवर के बाद इस समय 28 बिना किसी विकेट के पतन की करंट रन रेट देखिए 8.4 की है, लेकिन कम से कम 5 ओवर में 50 रन बनाने की जरूरत है। और फुल टॉस बना करके इस बार गेंद को खेला है, लॉन्गन के क्षेत्र में गेंद आई, सिंगल मिल जाएगा। गेंदबाजी भी इस ओवर में अभी तक अच्छी हुई है, लोकेंद्र अब तक 1.3 ओवर की गेंदबाजी कर चुके हैं, यानी कि पिछले ओवर में 6 गेंद, इस ओवर में 3 गेंद कर चुके हैं और अभी तक मात्र 7 रन इन्होंने दिया है। इकोनॉमी जो है 4.7 की है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। विक्रम 16 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, सामना करने के लिए तैयार। इस बार नीचे रहती भी गेंद थोड़ा सा अपिस्टम के बाहर निकली थी, वाइट का इशारा आता हुआ। अंपायर के हाथ भी देखिए जैसे खुलते हैं, जैसे सनफ्लावर होता है, सूरजमुखी का जो फूल होता है, जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो धीरे धीरे उसकी पंखुड़ियां खुलने लगती है, वैसे ही इनके हाथ खुलते हैं जब वाइट का इशारा आता है। इस बीच हवा में गेंद जरूर है, पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर थे, कवर्स के क्षेत्र में जब तक आते तब तक एक रन मिलता हुआ यहां। और अंपायरिंग की जिम्मेदारी इस समय निभा रहे हैं धीरज और जयप्रकाश पाटिल। जयप्रकाश पाटिल जी को तो हम लोग माफ भी चाहूंगा, जयप्रकाश गरज जी को तो हम लोग हमेशा से पहचानते रहते हैं और इनकी लंबाई देख करके पता चल जाता है। इस बीच हवा में गेंद विकेट कीपर के पास पहुंची, लेकिन ये भी कैच, आइसक्रीम का आखिरी कैच, बच्चा मुंह में लगा रहा था आइसक्रीम को, मेल्ट करके आइसक्रीम गिरी, केवल डंडी मुंह में लगी, हल्की हल्की मिठास आई, लेकिन अब तो टपक गई आइसक्रीम, बिल्कुल एक कैच, अच्छा कैच हो सकता था। रन अभी तक हो चुके हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी, देखिए गेंद में काफी तेजी है लोकेंद्र की गेंद में। और इस समय 4 ओवर की समाप्ति के बाद 31 पर 1, आफ्टर 4 ओवर्स स्कोर इज 31, लॉस ऑफ 1 विकेट मेवाड़ा रॉयल्स।
जिन्हें निमंत्रण और आमंत्रण मिला है पहले बल्लेबाजी करने का किंगापा मेवाड़ की तरफ से, मेवाड़ छत्री राजपूत परिषद मुंबई द्वारा आयोजित ये MRPL 2022 सीजन 2 का मुकाबला यहां पर चलता हुआ नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मंडल के इस हरे भरे नारंगी ग्राउंड पे TVN लाइव के सौजन्य से ये लाइव टेलीकास्ट आप तक पहुंच रहा है। और जो लोग अभी तक YouTube पे मैच नहीं देख रहे हैं, अगर आवाज़ यहाँ से सुन रहे हैं इर्द गिर्द कहीं हैं, अपनी मोबाइल आप उठाइए, DBN लाइव सर्च करिए और उसमें फिर डालिए मेवाड़ छत्री राजपूत परिषद मुंबई द्वारा आयोजित, यानी कि आप सीधे MRPL 2022 सीजन 2 आप जैसे टाइप करेंगे तुरंत आ जाएगा। बोलर यशपाल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। एक यशपाल शर्मा भारतीय टीम के लिए खेल चुके हैं, वाइट का इधर इशारा आता हुआ अंपायर धीरज का। ये गेंद भी वाइट, अंपायर भी देखिए इस बार जब खड़े हुए तो लग रहा था इस समय मोहब्बत फिल्म चल रही हो, शाहरुख खान खड़े हो गए, ये भी वाइट है यार, ये भी वाइट है, बिल्कुल वैसे ही इशारा आ रहा था, अरे बहुत सारी वाइट देनी पड़ रही है। यशपाल शर्मा ये सही लाइन है, बिल्कुल अच्छी दिशा में गेंदबाजी करने की जरूरत है। और लेकिन शम पर गेंदबाजी क्यों करते हैं, कहा भी जाता है ना कि कचरा डस्टबिन में, गेंद आप शम के बाहर वहीं पर सुशोभित होती। इस बार सोलो डिलीवरी की गेंद थी, बल्लेबाज पहले बल्ला चला बैठे, अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब यशपाल। विक्रम 17 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 16 गेंदों का सामना किए हैं, एक सिक्स लगाए हैं, बाउंड्री कोई नहीं लगाया अभी तक इन्होंने। और साथ में श्रवण को अभी भी खाता खोलना ना निश्चय करण पे है, क्या आप निश्चय करण पे पहुंचेंगे? जी हाँ, लिख बैच का इशारा आता हुआ 34 पे 1.43 ओवर के बाद जिस प्रकार से शुरुआत हो रही थी उस प्रकार से रन नहीं बने, लेकिन किंग ऑफ मेवाड़ के लोग सोच रहे हैं कि इतना रन बन गए, बहुत बन गए। देखिए हर चीजें हर इंसान के दृष्टिकोण से सही नहीं होती, कोई कितना बड़ा पापी हो, कोई कितना बड़ा चोर हो, सबके लिए वो बुरा नहीं है। चोर सोचता है यार बहुत अच्छा साथी मिला है अब डाका डाल लेंगे, चोरी से थोड़ा एक पैदान ऊपर उठ सकते हैं। कोई गलत करता है मर्डर करता है तो भी लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ठीक हुआ, मेरा दुश्मन मारा गया। तो हर चीज़ें हर इंसान के लिए ना तो गलत हो सकती है ना सही हो सकती है। फिलहाल 35 हुआ स्कोर, 4.5 ओवर के बाद आखिरी गेंद आनी शेष है। यशपाल इस ओवर में 5 गेंदों पर 3 रन खर्च किए हैं, 3 रन में से जो 3 रन गए हैं वो एक्स्ट्रा के ही रन गए हैं, क्योंकि 2 वाइड थी और 1 लेग बाइस। यस अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। और ओवर समाप्त हुआ, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 35 मेवाड़ रॉयल्स और 36 रनों का लक्ष्य किंग ऑफ मेवाड़ के सामने बैरो सिंह के टीम के सामने यहां पर रखा गया है। अब मैं चाहूंगा कि RAC मेवाड़ और करणी सेना मुंबई के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए।
36 टू विन सर, 36 टू विन। बैट्समैन जल्दी जाए, मेवाड़ रॉयल्स के बल्लेबाज जल्द से जल्द, किंग अप मेवाड़ के बल्लेबाज जल्द से जल्द मैदान में जाए। जीत के लिए जो लक्ष्य रखा गया वो 36 का, 36 रन 30 गेंदों पे बनाने हैं और आपके पास पूरे 10 विकेट हैं, देखना है किस प्रकार से रन बनते हैं। क्रिकेट बिल्कुल अनिश्चितताओं का खेल है, कौन सी टीम जीतती है कौन सी हारती है कुछ कहना बहुत मुश्किल, लेकिन मजा आ रहा है यहाँ पर। मेवाड़ छत्री राजपूत परिषद मुंबई द्वारा आयोजित ये जो MRPL 2022 सीजन 2 का मुकाबला है, मेवाड़ छत्री राजपूत परिषद मुंबई के अध्यक्ष श्रीमान विजय सिंह जी डुलावत हमारे बीच में उपस्थित हैं। नाम बड़ा प्यारा है विजय, और जब विजय की बात आती है तो हर इंसान यही चाहता है कि हम अपना पूरा, कहते हैं ना कि जितना हमारे पास शक्ति है जितना हमारे पास सामंजस्य है हम सब कुछ लगा दें विजय प्राप्त करने के लिए। साथ में महामंत्री श्रीमान डूंगर सिंह जी चौहान वो भी हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। कमेटी मेंबर हरि सिंह चुंडावत, पन सिंह सोलंकी, गोपाल सिंह राठौड़, मनोहर सिंह चौहान, मोती सिंह राठौड़, गणपत सिंह भाटी, भैरू सिंह सोलंकी, रतन सिंह सोलंकी। और बिना स्पॉन्सर के कैसे गाड़ी चलने वाली है, तो हमारे स्पॉन्सर टी शर्ट के हिम्मत सिंह जी सारंग देव दादर, ग्राउंड के राम सिंह जी राठौड़, जसवंत सिंह जी सोलंकी विरार फाटा, सुमीर सिंह जी चुंडावत भारती ज्वेलर्स विरार, प्रताप सिंह जी सिसोदिया विरार फाटा, और बॉल के स्पॉन्सर राम सिंह जी डुलावत गणेश ज्वेलर्स नाला सुपारा, यूट्यूब के गोपाल सिंह जी राठौड़ भवानी गोल्ड जवेरी बाजार, मोती सिंह राठौड़ मंगल ज्वेलर्स विरार, और फोटोग्राफी के भैरू सिंह सोलंकी शिल्पा ज्वेलर्स नाला सुपारा। चलते हैं मैच की तरफ जहां 36 रनों का लक्ष्य, और लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतर चुकी है किंग ऑफ मेवाड़ की टीम, और मैं चाहूंगा आरएसी मेवाड़ और करनी सेना मुंबई के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। आरएसी मेवाड़ और करनी सेना मुंबई के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। इस बीच लेग स्टंप पर ये गए, थोड़ी सी बैकफुट पे गए, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला, एक रन आसानी के साथ मिल जाएगा राहुल और साथ में लोकेंद्र की जोड़ी मैदान में, और राहुल एक रन बना करके नानेश्वर के रन पे जा चुके हैं, और लोकेंद्र इस समय स्ट्राइकर एंड पे, गेंदबाजी बहुत अच्छी किया था लोकेंद्र ने, अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं और कोई स्लिप नहीं रखी गई है, शॉर्ट थर्ड मैन है, बैकवर्ड पॉइंट है, फील्ड में अभी भी तब्दीली हो रही है, अब शॉर्ट थर्ड मैन बैकवर्ड पॉइंट कवर मिड ऑफ वडिश लॉन्ग ऑफ 38 सर्कल के अंदर, आपको शॉर्ट पॉइंट लेग भी दिख रहा है, मिड विकेट डीप मिड विकेट और वाइडिश लॉन्ग ऑन, ये फील्ड की जमावट इस बार टोच पे आकर के गेंद को केवल सीधे बल्ले से खेला, डिफेंसिव जोन में आकर के गेंद गई मिड ऑफ के क्षेत्र में बिना किसी रन के। इस बीच ऊंचा शॉट बड़ा शॉट बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ रहा था, लेकिन ऊंचाई ज्यादा हुई गेंद के नीचे, गोवर्धन, ये गोवर्धन नहीं गोवर्धन पर्वत है, उठा लिया कृष्ण भगवान ने जैसे अपनी कनिष्ठिका अंगुली पे, वैसे इन्होंने गेंद को उठाया, बिल्कुल अर्जुन को जैसे मछली की आंख दिखती थी वैसे पीली पीली गेंदें इनको दिख रही है, क्या बेहतरीन कैच लिया गया है, काफी ऊंचाई भरा ये कैच था, कैच लेना इतना आसान नहीं होता है, बिल्कुल नजरें लगा के रखी थी, और एक अच्छा कैच अच्छे बल्लेबाज की पारी का अंत होता हुआ, और लोकेंद्र आउट हुए हैं, राहुल का साथ निभाने के लिए अब जा रहे हैं यशपाल, पहला विकेट ही रन पर यहां पर गिरता हुआ, अच्छी वापसी इस समय मेवाड़ रॉयल्स की, कैप्टन काफी खुश होंगे केसर सिंह जी, बल्लेबाज इस समय यशपाल, विक्रम की गेंदों का सामना करने के लिए, इस बार मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद को खेला ही करने के लिए निकले,
विक्रम अपनी टीम के लिए ग्रुप के इक्के हैं, बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं। जब मैंने कहा तो कुछ लोग देखिए उनके दोस्त मस्ती कर रहे हैं, गोपाल जी कह रहे हैं कि आप पूछ लीजिए घर में काम कौन करता है, ऐसा मैं नहीं पूछूंगा, राजपूत है, अगर गुस्से में आएंगे तो मुझे टेबल के नीचे जाना पड़ेगा, हेलमेट भी नहीं है मेरे पास। विक्रम जी हम लोगों के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी। ओवर समाप्त हुआ और एक ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 3 रन एक विकेट के नुकसान। वार्ड 3 रन एक विकेट के नुकसान पे। आरएसी मेवाड़ और करणी सेना मुंबई के कैप्टन, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अब आप आ जाए। आरएसी करणी सेना के भी कैप्टन आ जाए, हमारे पास आरएसी मेवाड़ के कैप्टन आ चुके हैं, करणी सेना के कैप्टन आ जाए तो टॉस हो जाए। इस बार गेंद को खेला लेकिन अच्छा निर्णय वहां पर गोवर्धन का, उन्हें पता था कि कैच करना आसान नहीं, काफी दूर है गेंद, बाउंड्री बचाना बहुत जरूरी है। राहुल 3 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, यशपाल अब 1 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और सामना करने के लिए तैयार होंगे बिरसा की गेंदों का। इस बार ये गेंद खेलने की कोशिश थी लेकिन लेग स्टंप के बाहर की गेंद, जयप्रकाश जी का इशारा आता हुआ वाइड का। यशपाल और राहुल को कहीं ना कहीं अपने बल्लेबाजी में थोड़ा सा गति देनी पड़ेगी, नहीं तो ये रन नहीं बनेगा। अच्छा कट किया है लेकिन 38 सर्कल के अंदर थर्डमैन अच्छी फील्डिंग, 1 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। शुरुआती ओवर है, अभी दूसरा ओवर है, अभी ये कहना गलत होगा कि नहीं टीम पीछे जा चुकी है बैकफुट पे किंग अपने वाड़ की, क्योंकि अभी शुरुआती ओवर है, नजर एक बार जम गई फिर अच्छी स्थिति में टीम जा सकती है। इस बार क्या क्लास है, खूबसूरत शॉट, बेहतरीन शॉट, लॉन्गर के ऊपर से बेहतरीन शॉट, 6 रन सराहता हुआ यहाँ पे 6 रनों के लिए गेंद को खेला। 21 गेंदें 24 रनों की आवश्यकता, 21 गेंदों पे 24 रनों की आवश्यकता। और आरएसी मेवाड़ के तो कैप्टन हैं, सेना के कैप्टन आ गए हैं क्या, दोनों कैप्टन आ गए सर, टॉस करा लिया जाए। इस बार दूर से खेल बैठे, हाँ जो लोग नेट में जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप नेट पे प्रैक्टिस ना करें, नेट पे प्रैक्टिस ना करें, नेट पे जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप नेट पे प्रैक्टिस ना करें। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं भी एक बार किया था, मेरे ऊपर 1001 रुपये का फाइन यहाँ पे रखा गया था, तब से मैं पहले ही बोल देता हूँ कि भाई और किसी की जेब से पैसा ना जाए। लेकिन मैंने भी पुरानी वाली नोट दिया था 1000 की, क्योंकि वही मेरे पास बची थी और वाइट का इशारा आता हुआ। नहीं नेट पे आप लोग प्रैक्टिस ना करें क्योंकि वहाँ पे जो है जो लोग शाम को आते हैं जिनकी कोचिंग चलती है वो लोग वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। सभी खिलाड़ी समझदार, जैसे मेरी आवाज उनके कर्ण बिंदुओं को स्पर्श की, लेकिन इस बार स्पर्श किया है बल्ला, आहा क्या खूबसूरत शॉट था, बेहतरीन जबरदस्त बल्लेबाजी, क्या क्लास दिखा था, क्या फुटवर्क कितना अच्छा था, टाइमिंग क्या खूबसूरत थी, हैंड आई कोऑर्डिनेशन कितना लाजवाब था, और गेंद को उछाल करके खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए, जबरदस्त बल्लेबाजी राहुल। और अब 20 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता, 20 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता, फाइन लेग 38 सर्कल के अंदर अच्छी फील्डिंग। आरएसी मेवाड़ और करणी सेना मुंबई के कैप्टन हैं सर यहाँ पे, बस टॉस आप लोग करा लीजिए। अच्छी स्थिति में अब इस बार फिर गेंद को हवा में खेला है, फाइन लेग 38 सर्कल के अंदर, रोकना मुश्किल, गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई, रोक पाएंगे कि नहीं, 4 रनों के लिए। जी और साथ में उनके रंजीत सिंह जी अब टॉस कराएंगे यहां पे।
उदय सिंह जी, जगदीश सिंह जी भी आप आ जाएं सर टॉस कराने के लिए। रंजीत सिंह जी और उनके करकमलों द्वारा टॉस हो रहा है। पांचवें मुकाबले का आरएसी मेवाड वर्सेस करनी सेना के बीच का ये मुकाबला। इस बार ऊंचा शॉट, क्या खूबसूरत क्लास, बिल्कुल मंच की तरफ गेंद गई है, 6 रनों के लिए। क्या गजब की बल्लेबाजी, क्या गजब की टाइमिंग। 22 पे पहुंच चुके हैं इस समय राहुल, संख्या 31। पांच रनों की और आवश्यकता, 17 गेंदे, 5 रनों की और आवश्यकता और यह मैच क्या समाप्त होगा? जी हां, समाप्त। इस मुकाबले को जीत लिया है किंग ऑफ मेवाड़ की टीम ने। भैरव सिंह जी काफी खुश नजर आ रहे हैं।